नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मराज मीणा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद धर्मराज पर। तो मित्रों, आज हम एक रिलेवेंट और करंट से जुड़े हुए मुद्दे पर, जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आप बेहतर परिचित हैं, उसी के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। और ये जो इवेंट है, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक तरीके से युगांतरकारी घटना के रूप में समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ये अपने आप में बहुत सारे परिणाम, प्रश्न चिन्ह खड़े करके इसने छोड़ दिए थे, जो आज भी अनसुलझे हैं। हम आज उन्हीं तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। चूँकि इतिहास विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में भी जाना पड़ेगा कि पीछे जो क्या हो रहा था। तो हम देखते हैं कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, और उस विश्व युद्ध के दौरान जो भारत के जो नागरिक हैं और भारतीय लोग हैं, वो ब्रिटिश हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। महात्मा गांधी भर्ती करने वाले सार्जेंट बने उस टाइम, और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को विभिन्न प्रकार की सेवाएं युद्ध में अपनी दी। ठीक है, 1915 में उनका भारत आगमन होता है। इसी प्रकार से इस दौरान भारतीय लोगों से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वादे किए कि स्वशासन दिया जाएगा, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, और बहुत सारे जो मांगे हैं उनकी मांगे मानी जाएंगी, उन चीज़ों पर हमको फोकस डालना है। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं वो उस दौरान में हुई। इस बिटवीन कांग्रेस और लीग 1916 में आपस में नज़दीक आ गई हैं, दोनों के बीच में समझौता हुआ है, और इनके सुधारों के, इन समझौते के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों से जो इनकी मांगे थी, उनके आधार पर 1919 का जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है, उसमें इनकी महत्व, इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो कितनी पूरी हुई, वो तथ्य भी यहाँ पर दृष्टिप हैं। लेकिन अभी हम फोकस में जलियांवाला बाग हत्याकांड को ले रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है, 13 अप्रैल 1919 को हुई। तो नोट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का। बैसाखी हरियाणा और पंजाब में मनाए जाने वाला, रबी की फसल हो जाने के बाद ये मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। और जो गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी, वो बैसाखी के दिन ही की थी, 1699 में। तो उस दिन से ये त्यौहार मनाया जाता है। अमृतसर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक शहर है, जहाँ पर जलियांवाला बाग है वहाँ स्थित है, और आज भी वहाँ पर एक स्मारक बनाया हुआ है उन शहीदों की याद में, जहाँ पर लगभग 388 नामों की जो सूची है वो जलियांवाला बाग में उत्कीर्णित करवाई गई है, और अग्नि की लौ नाम से वो स्मारक जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 से पहले की जो घटनाएं हैं, हमको उन पर फोकस करना पड़ेगा, उन पर प्रकाश डालना पड़ेगा, क्योंकि 1919 में वर्ल्ड वार खत्म, मतलब फिनिश हो चुका है, और इस वक्त भारतीय लोग कुछ अच्छे की उम्मीद अंग्रेज़ों से कर रहे हैं। तो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन और ज़्यादा बुरा हुआ, और वो और ज़्यादा बुरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। इसी दौरान भारतीय क्रांतिकारी तत्वों को या अराजक तत्वों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाबंद करने के लिए, ताकि 1857 की क्रांति जैसी पुनरावृत्ति ना हो जाए, तो इस हेतु एक सेडिशन कमेटी का गठन किया, और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका जो अंदेशा लगाने के लिए उस कमेटी से सिफारिशें मांगी गई। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में
एक बिल लाया गया और उस बिल के अंदर इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको नोट किया गया और क्या कानून होने चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए, इन गतिविधियों को रोकने के लिए, उन कानूनों के बारे में राय दी गई। तो और उस कमेटी के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। इसीलिए इस अधिनियम को रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून जो तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उन पर पाबंदी लगाता है, उनका मुंह बंद रखता है और हर तरीके से मानवीय गरिमा को नष्ट करता है। न अपील, न वकील, न दलील, न इसके खिलाफ़ कोई अपील की जा सकती थी, न इसके खिलाफ़ कोई वकील और न कोई इसके खिलाफ़ दलील दी जा सकती थी। एक तरीके से काला कानून, उस समय के लोगों ने इसको संज्ञा दी काले कानून। उस काले कानून, उस रॉलेट एक्ट को जब 21 मार्च 1919 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया तब महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और हक महोदय, इन लोगों ने अपनी जो व्यवस्थापिकाएं हैं वहां से अपने त्यागपत्र तक दे दिए, लेकिन फिर भी ये कानून पास हो गया। और इस कानून के पास हो जाने के साथ ही ब्रिटिश हुकूमत का एक नया तांडव स्टार्ट हो गया और वह तांडव यह था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल सकते थे सिर्फ शक की बुनियाद पर। इसका मतलब ये था कि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ आपने एक शब्द भी बोला तो आप सीधे सीधे राजद्रोह के केस में अंदर डाल दिए जाओगे और पता नहीं है आपकी कोई अपील भी होगी, कोई वकील भी होगा, कोई दलील होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। नए कोर्ट्स के लिए इसमें रूल था, लेकिन उस टाइम ऐसी व्यवस्थाएं कोई नहीं की गई और बहुत सारी चीज़ें जो रॉलेट एक्ट के टाइम हुई, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इस कानून के प्रति उन्होंने अपना एक निंदा प्रस्ताव भी निकाला। तो ये सारी चीज़ें रॉलेट एक्ट को भारतीयों के समक्ष कि अंग्रेज़ों की जो मानसिकता है भारतीयों को किस तरीके से देखने की है वो रॉलेट एक्ट के अंदर दिखाई देती है। अब रॉलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले गांधी जी के नेतृत्व में और जो लोग अन्य लोग हैं सबसे पहले सत्याग्रह सभा के द्वारा और उनके द्वारा जो 30 मार्च 1919 का एक डेट दिया गया था कि भाई 30 मार्च 1919 को एक सार्वजनिक हड़ताल रखी जाएगी भारतवर्ष में, तो उस दिन हड़ताल का आयोजन करना था, बंद का आयोजन करना था, विरोध करना था, अहिंसक विरोध करना था, हिंसा नहीं। जहाँ सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं गांधी जी वहाँ पर हिंसा नहीं है, वहाँ हिंसा एविन गांधी जी अगर किसी भी आंदोलन को ले रहे हैं तो सबसे पहले वो अहिंसा के तौर पर ही उसको स्टार्ट करते हैं। अब उस दौरान जब गांधी जी 30 मार्च 1919 को बंद का विरोध का आयोजन करते हैं तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण 30 मार्च को यह बंद स्थगित किया जाता है, फिर इसकी डेट 6 अप्रैल तक दी जाती है, लेकिन 30 मार्च को जहाँ तक ये सूचना फैली थी तो वहाँ ये विरोध प्रारंभ हो गए देश भर में और पंजाब के अंदर कुछ ज़्यादा थे। पंजाब और दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस चीज़ का जो विरोध था वो बहुत ज़्यादा था। तो पंजाब हर हमेशा एक ज्वलंत इशू रहा है, लेकिन फिर भी इस समय इस परिस्थिति में पंजाब और दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जाने से रोक दिया गया महात्मा गांधी को, गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल को कि वह यहाँ पंजाब के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो फिर वहाँ और इस प्रकार के जो मूवमेंट्स हुए तो वहाँ सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू जैसे जो नेता थे, जननायक थे, उन लोगों ने विरोध
में सभाएं आयोजित की। इन नेताओं को दोनों को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अप्रैल 1919 को जब इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो इन नेताओं को छोड़ने के लिए वहाँ के डिप्टी कमिश्नर पर दबाव डाला जनसभाओं ने और रॉयल एक्ट का विरोध जारी रखा। इसी दौरान बैसाखी का त्यौहार पास में होने के कारण अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब है वो जलियांवाला बाग से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ नॉर्मली बैसाखी के दिन मेले का आयोजन रहता है तो वहाँ लोग आ रहे जा रहे थे धार्मिक क्रियाक्रम की वजह से, लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आ रहे थे। तो बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, क्योंकि प्रोटेस्टर्स नहीं थे वो लोग, वो कोई क्रांतिकारी नहीं थे। तो जब ये सभा का आयोजन हो रहा था तो बहुत सारे जो सभा में भाग लेने वाले लोग हैं वो ऐसे लोग भी बहुत सभा में मौजूद थे जो महिलाएं थे, बच्चे थे, वो सब लोग इस जलियांवाला बाग में आ गए। ये 13 अप्रैल की घटना है। 11 अप्रैल को भी सभा हुई। 12 अप्रैल को प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया लेकिन वो अलर्ट पूरी तरीके से कारगर नहीं हुआ, सूचना लोगों तक पहुंची नहीं। और 13 अप्रैल को एक बड़ी सभा का आयोजन जलियांवाला बाग में हो रहा था। लगभग हजारों की तादाद में लोग हैं, कुछ आंकड़े 20,000 तक बताए जाते हैं, इवन 5,000 तो थे ही। वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी हैं, सैनिक अधिकारी हैं, रेजिनॉल्ड डायर जो ब्रिगेडियर जनरल की पोस्ट लिए हुए हैं उस टाइम पे, तो वो पहुंचते हैं और अपनी मशीन गन के साथ पहुंचते हैं, लगभग 150 सैनिकों के साथ जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे और अंग्रेजी भी थे, पूरी पलटन के साथ वहाँ पहुंचते हैं। और शाम को ये सभा 12 बजे से चल रही थी लेकिन वो शाम को पहुंचते हैं, जब तक सभा पूरे जोश खोश में थी तो उस समय भीड़ पर गोलियां चलाई गई और वो गोलियों के निशान आज भी वहां पर बने हुए हैं। एक कुआं जिसके अंदर लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगा दी, उसमें बाद में लगभग 150 सब निकाले गए। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़ों पर आज भी संशय बना हुआ है लेकिन मौतें बहुत ज़्यादा थी। इन चीज़ों को समझने के लिए जब दबाव पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, जब चारों तरफ से निंदा हुई इसकी, जब इतने सारे लोग मारे गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो उस सैनिक अधिकारी रेजिनॉल्ड डायर को अपने पद से हटा दिया गया, हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया, हंटर आयोग। उस कमीशन में 2-3 भारतीय भी थे, जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और शेख सुल्तान शाहजादा, ऐसे लोग भी थे। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है उससे कहीं साबित नहीं होता कि रेजिनॉल्ड डायर ने कोई गलत काम किया था। उस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, वो पंजाब के माइकल ओ'डायर, उन्होंने भी उनके काम को सही ठहराया था, जो उनका पत्र व्यवहार होता है उसमें। तो डेफिनेटली भारतीयों का जो आक्रोश है वो हंटर का जो कमीशन की जो सिफारिशें थी उसने बढ़ाया था, घटाया नहीं था। इधर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसकी निंदा की गई है रेजिनॉल्ड डायर की, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसे सराहा है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा है। तो डेफिनेटली यह भारतीयों की भावनाओं का अपमान था। रेजिनॉल्ड डायर 1927 में एक प्राकृतिक मौत की बीमारी की वजह से मरे, लेकिन माइकल ओ'डायर को 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन के अंदर मारा। हालांकि 31 जुलाई को उनको फांसी हो गई 1940 में, लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा कि मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया है। इसी प्रकार से वो उधम सिंह उस समय वहाँ मौजूद बताए जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मौजूद थे और लगभग 21 वर्ष बाद
उन्होंने सत्य का बदला लिया, इस हत्याकांड का बदला लिया। भगत सिंह भी उस समय इस घटना से प्रेरणा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थी। आज वहाँ स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक बना हुआ है, वो कुआ भी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंकड़ों में लगभग 379 लोग मारे गए, घायल हजारों में थे। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की मोतीलाल नेहरू इत्यादि की, और इस कमेटी ने भी निंदा प्रस्ताव पारित किया, दायर की निंदा की। ओवरऑल जो भी रहा, लेकिन इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो एक सीन बना, पूरा एक गतिविधि बनी, वो आगे जाके हमें असहयोग आंदोलन में भी मदद करेगी। क्योंकि इतिहास का एक पड़ाव है कि कोई घटना घटती है तो वो परिणाम उसके धीरे धीरे आते हैं, और इस घटना ने कहीं ना कहीं पंजाब को, संपूर्ण पंजाब को हिला के रख दिया, पूरे देश को हिला के रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय जनमत में इस घटना से ब्रिटिश हुकूमत की निंदा हुई, तो वहीं पंजाब आने वाले दिनों में क्रांतिकारियों का गढ़ बनने लगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद भगत सिंह जैसे युवा नया संगठन खड़ा करते हैं, और उन चीज़ों की बुनियाद पर ही अपने संगठन को मजबूती देते हैं जो आगे क्रांतिकारी नेतृत्व को प्रदान करने के लिए डटे रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। तो ओवरऑल ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि में एक प्रेरक और एक उत्प्रेरक का काम करने वाला एक घटनाक्रम है। और साथ ही साथ 2019 में इस घटना को 100 साल हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो उपमाएँ बाद के जो जितने भी नृशंस हत्याकांड होंगे उनमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपमाएँ दी जाएंगी। लेकिन हमको जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो शहीद हुए हैं, जो लोग मातृभूमि की शहादत में शहीद हुए हैं, हम उनको नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस राष्ट्र प्रेम को हम नमन करते हैं जो उस समय उस काले कानून के खिलाफ में खड़ा हुआ और उन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।